हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सूजी मावा गुजिया की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी और टेस्टी बनती है और होली में बनाई जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने सूजी ली है, आधा किलो सूजी लिया है और मैंने इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन भून लिया है। और लिया है मैंने आधा किलो बूरा, लिया है मैंने किशमिश और चिरौंजी, 50-50 ग्राम मैंने दोनों चीज़ ली है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं इसके लिए। और लिया है मावा, 200 ग्राम के करीब मेरे पास मावा है, जो मैंने कल ही घर में बनाया था। आप चाहे तो मार्केट से भी ले सकते हैं। और लिया है मैंने नारियल का, ग्रेट करके नारियल का चूरा लिया है। तो अब सबसे पहले मैं इसमें ये सब कुछ मिक्स कर लूँगी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो हैं, किशमिश, कलौंजी और बूरा, ये सब मैं इसे एक सूजी के साथ मिला लेना है अच्छे से। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और बहुत जल्दी बन जाती है ये गुजिया। अब बस इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसमें अब बूरा मिक्स करना है। अब मैं ले रही हूँ मावा और अब इसको थोड़ा सा गरम करके सॉफ्ट करना है। और इसमें डाला मैंने थोड़ा सा घी। बस अब इसको थोड़ा सा चलाते हुए इसको थोड़ा सा पिघालना है। तो अब ये मावा हो गया है सॉफ्ट, तो अब इसको निकाल लेंगे। मिक्सर बनाया है, इसमें इसको मिलाना है अच्छे से। और बस ये हमारा गुजिया का मसाला तैयार हो गया है। थोड़ा सा हल्का इसको हमने ठंडा डालना है, ज़्यादा गर्म नहीं डालना है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है बस। और अब हम लगाएंगे इसका आटा, मैदा। तो इसके लिए हमने लिया है सबसे पहले 1 किलो मैदा और इसको अब अच्छे से छान लिया है मैंने। और ले रही हूँ मैं इसके लिए थोड़ा सा देसी घी मोइन के लिए, और ले रही हूँ हल्का गुनगुना पानी। अब इसमें मैं डालूंगी मोइन, धीरे धीरे करके इसमें हमें ये मोइन डालना है और इसे थोड़ा सा मिलाते जाना है। नहीं तेरे लाये बना देता हूँ, तू कर ले, तू थक गई होगी यार थोड़ी देरी। क्या कर ले? सब्जी बना देता हूँ तेरे लिए ज़्यादा। वो क्या कर रही है? प्याज चढ़े हैं। घर जाऊँगे तो ताड़े लाएँगे, चार नहीं सब्जी बना दूँगा। बस इसका काम कर लूँ, फिर एक बार जंगल में तो थोड़ा सा दिखा दो ऐसा। थोड़ा सा घी देना।
अब इस तरह से देखना है हमको कैसी मुट्ठी बन रही हो इसकी। तो बस अब आटा तैयार है, अब हम इसे पानी मिला के मिक्स करना है। इस तरह से हमें चेक करना है कि इस तरह मुट्ठी बननी चाहिए। तो ये आटा परफेक्ट है भुजिया बनाने के लिए। बस अब हम इसको गूंदेंगे। हमें इसे मीडियम आटा गूंदना है, ना ज़्यादा हार्ड और ना ज़्यादा सॉफ्ट। बस अब इसे पानी डालते हुए हमें इसे अच्छे से गूंदना है। अब आटा गूंद जाएगा तो इस तरह से कोई कॉटन का कपड़ा लेकर इसको हम गीला करके इस तरह से ढक देना है ताकि इसमें पपड़ी ना जमे और आटा सूखे ना। बस अब एक तरफ हमने तेल रख दिया है, हमें इसे मीडियम फ्लेम में पकाना है। और अब ये मैंने ले लिया गुजिया बनाने की मशीन और उस पर इस तरह से पतली पतली रोटी बना कर रखना है और उसमें मसाला डालकर बंद कर देना है। और बंद करने के लिए हम साइडों पे इसके हल्का पानी लगाएंगे। और अब इसे हमें मीडियम फ्लेम पे पकाना है गोल्डन ब्राउन होने तक। और हमारी गुजिया तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।